नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाईएमसी संचार द्वारा संचालित सीरीज तजुर्बा में, जहां हम बात करते हैं ऐसी शख्सियतों से जिनके तजुर्बे से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, सर भरत वांगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। लगभग आपका 17 साल का एक्सपीरियंस रहा टीचिंग और अकेडमिक, टीचिंग और इंडस्ट्री मिला के। कैसे तो आपका सफर शुरू हुआ टीचिंग लाइन में, और कैसा अब तक का आपका तजुर्बा रहा? देखिए, कई चीजें दुर्घटना और घटना से शुरू होती हैं, और मेरी जिंदगी में जब मैं मीडिया में आया तो वो भी एक दुर्घटना थी, और जब मैं एकेडमिक्स में आया तो वो भी एक घटना थी। तो शुरुआत, मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर मेरठ से हूँ, और जब आज से 17 साल पहले की बात करें तो वो शहर, वो चीज़ें नहीं थी जो आज उपलब्ध हैं। ना मेट्रो थी, ना शहर में बहुत बड़ी चीज़ें थी, ना हम अपने छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते थे तो कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं था, कम्युनिकेशन करने के तरीके बहुत कम थे। तो भटक रहे थे, क्या करें क्या ना करें जिंदगी में। कभी इंजीनियरिंग को लगता था, कभी लगता था कि मर्चेंट नेवी में चले जाना चाहिए, कभी लगता था कि इस फील्ड में, जो लोग कहते थे हम उसी तरफ चले जाते थे। तो अचानक से एक दिन जो है न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा और देखा कि एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कुछ मीडिया को लेके वर्कशॉप होने वाली है। तो वहाँ वर्कशॉप करने गया, अटेंड, अच्छा लगा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, और वहाँ इंस्टीट्यूट से सीखते सीखते वो जर्नी शुरू हुई। और फिर प्रिंट मीडिया से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके, मैंने कई न्यूज़ चैनल्स में भी काम किया, कई एंटरटेनमेंट चैनल्स में भी काम किया। उसके बाद लगा कि यार सफ़र बहुत धीरे जा रहा है, क्यों ना कुछ और किया जाए। तो फिर मैंने अपनी मास्टर्स की, अपने पीजी की सिनेमा स्टडीज़ में, और फिर वहां से सफर आगे निकला बॉम्बे की तरफ। करीबन 6 साल बॉम्बे में कुछ प्रोडक्शन हाउसेस, कुछ चैनल्स के लिए काम किया। पता चला कि अच्छा, प्रोफेशनलिज्म ये होता है। तो वहां से सीख के धीरे से कहीं अब एकेडमिक्स में एंट्री हुई, वापस आया दिल्ली तो एंट्री हुई एकेडमिक्स में किसी तरह से, और वहां से जर्नी शुरू हुई 2011 से, और अब 2024 चल रहा है और एकेडमिक्स का सफर जारी है। आईपी यूनिवर्सिटी है, आईएलएम यूनिवर्सिटी है, जेसी बोस है, तो यहाँ पर अब सफर चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी। घर वाले क्या चाहते थे कि उनका बेटा क्या बने? घर वाले चाहते थे कि मैं वो करूँ जो मैं चाहता हूँ, उन्होंने मुझे पूरी छूट दी थी, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे माँ बाप सबको मिले जैसे तो मुझे समझे मिले। आजकल। जी, बिल्कुल। जब 3 इयर्स आई तो मुझे लगा मेरी कहानी चल रही है, कि वो माँ बाप भी हैं एक तरफ जो समझते नहीं, और एक तरफ वो लोग भी हैं जो अपने बच्चों को वो करवाना चाहते हैं जो वो बनना चाहते हैं। अच्छा, आपने अपने आंसर में बताया कि आपकी शुरुआत जब इस इंडस्ट्री में हुई तो आप पहले प्रिंट में गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक में गए, जी फिर आप महानगर मुंबई में गए। जी तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और महानगर बॉम्बे, तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग आपका कहाँ पे रहा, और तीनों का मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, कि किस किस नज़रिए से तीनों चीज़ें देखी जाती हैं, और क्या क्या मेन बदलाव है इन तीनों में? देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रगल का, तो स्ट्रगल हर फील्ड में है, और इस चीज के लिए हर स्टूडेंट को, हर उस इंसान को तैयार रहना चाहिए जो इस फील्ड में आ रहा है या किसी भी फील्ड में जा रहा है। अगर उसने स्ट्रगल नहीं किया, उसे पका पकाया खाना मिल गया तो उसे अहमियत समझ नहीं आएगी। तो स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो इस फील्ड में, किसी फील्ड में जाएगा। तो स्ट्रगल आप करते करते वो चीज़ें, वो बेसिक चीज़ें समझते हैं, वो बेस समझते हैं जो किसी भी इंसान को समझनी जरूरी है। वो आपको इंसानियत सिखाती हैं, वो आपको अच्छा इंसान बनाती हैं, वो आपको अच्छा बुरा सिखाती हैं। आपने मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, 6 साल आपने वहाँ पे गुजारे। हम अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रगलिंग का सबसे बड़ा, अगर किसी की एक्टर की पार्ट है तो उसका स्ट्रगल सबसे ज़्यादा बॉम्बे में होता है। आपके 6 साल वहाँ कैसे थे, और वहाँ आपने कैसे कैसे शुरुआत करी अपने काम को लेके? देखिए, मुझे काम यही दिल्ली से मिल गया था। मैं एक यहाँ पे डायरेक्टर थे जो दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम बनाते थे, मैं उनको असिस्ट कर रहा था एज एन एडी। तो अचानक से मेरा काम किसी ने कहीं देख लिया किसी जगह, तो किसी ने मुझे रेफर किया बॉम्बे, एक शो आ रहा था एक बड़े चैनल के लिए, तो उन्होंने रेफर किया उनकी प्रोड्यूसर को। तो उनकी प्रोड्यूसर का डायरेक्टली मेरे पास फोन आया कि हम टीम बना रहे हैं अपने एक रियलिटी शो के लिए, तो आपको इन सो एंड सो पर्सन ने आपको रिकमेंड किया, तो आप चाहेंगे? तो मुझे लगा मुझे ट्राई करना चाहिए, तो मैं चला गया बॉम्बे। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव था, और वो जब सफर शुरू हुआ तो वो चलते चलते 6 साल चला। अक्सर ऐसा कहते हैं कि जैसे रियलिटी शो की जो टीम वगैरह होती है, उनकी पेमेंट्स भी होल्ड कर दी जाती है, कि बहुत डिले में पेमेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेमेंट ही नहीं करता। क्या ऐसे ऐसे स्ट्रगल चलते हैं वहां पे बॉम्बे? देखिए, पर्सनली मेरा अनुभव कभी ऐसा नहीं रहा, कभी पेमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम मेरी और बाकी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री में, संपर्क में, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। शायद ये वो अफवाहें उड़ाते हैं, जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बॉम्बे जाते हैं और वहाँ के माहौल में जम नहीं पाते, तो कई तरह के बहाने भी बनाते हैं कई लोग इस तरीके के। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो बड़ी प्रोफेशनल इंडस्ट्री है
और वहां पर आप जाके वाकई में प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं कि आप प्रोफेशनल कैसे हैं। अच्छा, आपका बैकग्राउंड देखे तो प्रोडक्शन और टीवी के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस बहुत रहा है। पहले की जो प्रोडक्शन क्वालिटी थी, आज के टाइम पे हम देखते हैं बहुत वृद्धि हुई है। कोई एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सेम चली आ रही है कि इस चीज़ में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बदलाव हो चुका है आजकल? कहानी कहने का तरीका, आज भी कहानी वो है जो पहले थी, बस ये हुआ है कि पहले हीरो हीरोइन विलन को शुरू में डेवलप करके लास्ट में एक के जीत होती थी, कहानी आज भी वही है, बस उसको कहने का तरीका चेंज हो गया है। क्या आजकल की जो इंडस्ट्री है वो सोशल मैसेजिंग की मूवीज बना रही है, पहले वो ऐसा नहीं बनाती थी? देखिए, जब आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो टेक्नोलॉजी बहुत चीजें बदलती भी है, तो जब हम पहले की बात करें तो पहले फिल्म बनाना बहुत कॉस्टली था, बहुत महंगा था, उसका प्रोसेस बहुत लॉन्ग था, बहुत लेंदी था और महंगा भी बहुत था, तो वहां पर लोग रिस्क नहीं लेते थे। अब जब से हम पूरी तरह से डिजिटल हुए हैं हर स्टेज में, राइटिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक, हम लोग इवन जब हम फिल्म को एग्जीबिट करते हैं तो वो भी अब जो है डिजिटल हो गया, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई है, तो अब लोग रिस्क नहीं लेते, अब रिस्क ले लेते हैं, अब ना फिल्म बनाते हैं क्योंकि अब रिस्क नहीं रह गया बहुत बड़ा, तो कहीं ना कहीं उसका असर नजर आता है। एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर जी दिया जी आने बिल्कुल, लगे वो हैं। नजर आते हैं, नहीं तो पहले क्या था, वही कहानी, वही हीरो, वही हीरोइन, वही विलेन, और लास्ट में बुराई की अच्छाई पे जीत, यही होता था। अब तक की आपकी लाइफ का कोई अप्स मोमेंट जो आपको सबसे बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट दिलाई हो, कोई ऐसा मोमेंट आपका? ऐसे तो लाइफ में कई बार अचीवमेंट्स आते हैं। एक ऐसी होती जो हाँ मेमोरेबल बन जाती है हाँ फॉर एवर के लिए। मैं काफी टाइम से एफटीआई के लिए कोशिश कर रहा था, और अचानक से 2017 में मैंने एक बार दोबारा फॉर्म भरा एफटीआई का, फिल्म एप्लीकेशन कोर्स के लिए, और अचानक से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट वो था कि मैं एफटीआई जाके आया 4 हफ्ते के लिए, और मैंने वो महसूस किया, वो चीज़ें सीखी जो शायद हर एक इंडस्ट्री के जो फिल्म में जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री में जाना चाहते, उनको सीखना चाहिए। अच्छा, ऐसा महसूस किया जाता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है या मीडिया इंडस्ट्री है, इसमें लोग ग्लैमर के पीछे भागते हैं, और जब उनका क्या कहते हैं स्ट्रगल सालों भर का चलता रहता है और उन्हें जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है वो उन्हें नहीं मिलती, तो डाउनफॉल आने के बाद वो बैकअप ले जाते हैं। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया कि जब आपको मतलब टूट गए हो, कि आपको लगा हो कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा, अब मुझे वापस घर चलना चाहिए, कुछ और शुरू करना चाहिए? बोले कृपा रही, ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ बस ये था कि जब मैं शुरू में मैंने डिप्लोमा किया था जर्नलिज्म में, तो मैं जर्नलिज्म फील्ड में आ रहा था जब, तो एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि यार शायद मैं जर्नलिज्म फील्ड के लिए नहीं बना हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता जो एक जर्नलिस्ट करता है। मुझे कहानी कहना बहुत अच्छा लगता था, मुझे एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता था, तो तभी मैंने जो है स्विच किया और मैं एंटरटेनमेंट की तरफ आया घर वालों का सपोर्ट निरंतर मिलता रहा। पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। फिल्म मेकिंग का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं आज के पर्सपेक्टिव से, कि आने वाले टाइम में फिल्म मेकिंग कितना बूम आने वाला है इस मार्केट में? देखिए बूम तब भी था जब फिल्म की शुरुआत हुई थी 1895 में, आज हम 2024 में बैठे हैं, आज भी फिल्म की धूम है, और ये एक ऐसा मीडियम है कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, इसका व्यूइंग मीडियम चेंज हो सकता है, लेकिन सिनेमा हमेशा था, हमेशा रहेगा, और सिनेमा में जो सिने माँ है, ये हमारी माँ है, तो माँ का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है बच्चों पे। एक छुटमुट सी लड़ाई अक्सर लोगों के बीच ये चलती है कि कुछ लोगों का मानना है कि ओटीटी के आने के बाद जो बड़ी पर्दे वाली फिल्में हैं उनको गिरावट आई है, लेकिन अगर बात करें जो बड़े पर्दों पे करेक्टर्स आते हैं, उनका ये कहना है कि दोनों की ऑडियंस अलग अलग है। आपने तो इस इंडस्ट्री को अंदर से देखा है, आप क्या मानते हैं कि क्या इन दोनों की ऑडियंस अलग है या ओटीटी आने से फिल्मों में बहुत गिरावट आई है? देखिए मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ, कि जब ओटीटी का ओरिजिन कहाँ था ये तो बताइए, आप कोविड के बताइए, टाइम ही आया कोविड है। के टाइम में, ठीक है, एक नई चीज आई मार्केट में, लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसमें कंटेंट अलग तरीके से आ रहा था, इसलिए लोगों ने उसको ज्यादा एक्सेप्ट किया, और वो भी एक एज ग्रुप के लोगों ने, धीरे धीरे वो लोगों के बीच आता गया, लोगों के मीडियम्स को लाना शुरू कर दिया, लोगों की कहानी को लाना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं अब जो लोग मेट्रो में सफर करते हैं, सफर करते हैं, उनको बंद के एक जगह फिल्म नहीं देख पाते, तो उनको लगा चलो हमें एक नया मीडियम मिल गया, लेकिन जो सिनेमा की पावर है, जो जो हम लोग बात करते हैं सिनेमा हॉल की, हम बात करते हैं थिएटर की, उसकी पावर कभी कम नहीं हो सकती है, ये तो है। आप इतने सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में लेक्चर देने जाते हैं और फिल्म मेकिंग से आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आजकल के बच्चों में क्या आप एक ललक देखते हैं एक अच्छे फिल्म मेकर बनने की? बच्चों में ललक तो होती है, मैं को बड़ा खुल के बोलना चाहूंगा कि बच्चों में ललक बहुत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जब ये लगता है कि यार हमें तो ये नजर आ रहा है, ये हम कर लेंगे,
लेकिन जब करने का टाइम आता है उनको लगता है इतनी मेहनत है इसके पीछे, तो कहीं ना कहीं बच्चे करना कुछ और चाहते हैं, करने के लिए कुछ और आते हैं, और जब उनको लगता है कि यार इसमें तो इतनी मेहनत है, तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स जो करने की ललक लेके आते हैं वो पीछे डाउनफॉल में चले शॉर्ट जाते टर्म हैं सक्सेस ज्यादा शॉर्ट चाहते टर्म से। हैं। तो यार ये मीडियम जो है जो नजर आता है उसको बनाना बड़ा मुश्किल है। तो जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो न्यूज में हो, एंटरटेनमेंट में हो, एडवर्टाइजिंग में हो, पीआर में हो, उनको ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे की मेहनत बहुत है। आप बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का भी पार्ट रहे हैं, तो कोई कैसी कॉन्फ्रेंस जहां आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, मुझे इससे कुछ सीखने के लिए मिला, और कैसे इसे आप आगे विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक साथी हैं, उन्होंने दिव्यांगों पे अपने एक कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू किया था। दिव्यांगों पे जब कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार दिव्यांगों को लेकर क्या कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो भी मीडिया कनेक्ट करके। कि जब वहां पर कॉन्फ्रेंस को प्लान किया गया, जिस तरह के लोगों को वहां पर मंच पे बुलाया गया, जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे लगा यार वाकई में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, एक बहुत बड़ा एक एरिया बन सकता है रिसर्च के लिए भी और आपस में डिस्कस करने के लिए भी। तो वो मंच जो हम कॉन्फ्रेंस में ढूंढ रहे थे वो सक्सेसफुल रहा और मैं बड़ा सीखा उसमें चीजें। फिल्म मेकिंग में जो अपना बच्चे करियर देखना जी चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि अगर आप अपना करियर देखना चाहते हैं फिल्म मेकिंग में, तो इन चीज़ों की तो सतर्कता बरते ही, और ये मेरी तरफ से एडिशन पॉइंट कि मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा। कहानी कहना है, बिल्कुल आइए कहानी कहने, अपने हर प्रोसेस को सीखिए, कहानी सीख का जो हम कहनी है उसके प्रोसेस को सीखिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि आप हर चीज के लिए नहीं बने होते हैं और किस्मत कहीं ना कहीं आपका साथ देती ही देती है। तो पूरी तरीके से सीखिए, किस्मत का साथ आपको मिलेगा, हो सकता है थोड़ा लेट सवेर हो जाए, घबराइए मत, जमे रहिए, डटे रहिए और स्ट्रगल भी करते रहिए। जी, फिल्म मेकिंग और टेलीविजन प्रोडक्शन जैसे जो ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये मोस्टली प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, जी तो कुछ बच्चों को ये लगता है कि हमें थ्योरी क्यों पढ़ाई जाती है, कुछ को ये लगता है कि हमें प्रैक्टिकल क्यों पढ़ाया जाता है। आपके नज़रिए से कितनी परसेंट थ्योरी और कितनी परसेंट प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्लस बच्चों को अपने प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेके? देखिए थ्योरी तो इसमें कुछ होती नहीं, जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं आपको व्हाइट बोर्ड पे खड़े होके, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल का पार्ट है, हिस्सा है जो आप आके प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अब अगर आपको मैं क्लास में बिठा के नहीं समझाऊंगा शॉर्ट्स क्या होते हैं तो आप उसको कैसे प्लान करके करेंगे शूट, एग्जीक्यूशन नहीं कर एग्जीक्यूशन पाएंगे। कैसे हो, आप प्लान कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्लासरूम बहुत जरूरी है, 30-70 का रेशियो हमेशा रहता है, 30% हम लोग कहीं ना कहीं क्लासरूम में बिठा के आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन देते हैं, सर 40% एजुकेशन देते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं इसको। आपके अंदर मैंने स्किल डाल दिया, मैंने कहा आपको स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाते हैं, चलिए अब स्क्रिप्टिंग आप कहाँ सीखेंगे, क्लास में आपको बैठना पड़ेगा, शॉर्ट समझने कहाँ बैठना है आपको, बैठना पड़ेगा, हम आपको एंगल सिखाते हैं कहाँ बैठना पड़ेगा, आपको क्लासरूम में आना पड़ेगा। लेकिन अब जब कहा कि अब चलिए प्रोजेक्ट बेस करते हैं इसको, तो मैं कहाँ आऊंगा आपको लेके प्रैक्टिकल्स के लिए, फील्ड में, स्टूडियोज में। तो अब जब आपको मैंने सिखाया था शॉर्ट्स ये होते हैं, तो आप उसको एग्जीक्यूट किए, सीखिए, उसको करिए, बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि जो हमने डिस्कस किया है, जो समझाया, जिसको हम ये बोलते हैं, अब उसको हम कैसे लेते हैं। तो 30-70 का रेशियो हमेशा रहता है, और वो थ्योरी आपको लग रहा है कि क्लास बैठ के आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप उस जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसका वो प्लानिंग है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा ELS, आपने कहा ये क्या होता है, मैंने कहा MS, आपने कहा ये क्या होता है। तो अंडरस्टैंड तो आपको बैठ क्लास में बैठ के करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे ये कि फिलहाल हम जेसी बोस यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इस आलिशान स्टूडियो में हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप कहना चाहें क्या कहना चाहेंगे? मेरी अभी पवन सर से भी बात हो रही थी, राहुल सर से भी बात हो रही थी, मैंने उनसे यही कहा कि बहुत खूबसूरत और बहुत आलीशान आपने टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए आपने स्टूडियो बनाया है, वाकई में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े चैनल्स के पास भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी जो ये इंफ्रा बनाया गया है वो बच्चों को कहीं ना कहीं वो जो इंडस्ट्री में जाने वाले हैं यहाँ से सीख के उनको हेल्प देगा। और मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वो सिर्फ कागज लेना ना ले एडमिशन, जब ये इंफ्रा है तो उसको यूज करें, उससे सीखें, पता नहीं कहाँ काम आ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के थैंक लिए। यू। आज के एपिसोड में बस इतना ही, आगे जुड़ेंगे तमाम ऐसे एपिसोड के साथ, नए तजुर्बे वाले लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
मैं हेमंत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।